हम आपको इलेक्ट्रॉनिक लॉक के बारे में बता रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेटल लॉक। दिस इज़ अ लॉक विच कैन बी इंस्टॉल्ड ऑन अ मेटल गेट और वुडन गेट्स, और इसको हमने रिमोट रिसीवर्स के साथ कैसे कनेक्ट करना है उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। वी हैव दिस इलेक्ट्रॉनिक लॉक, वी हैव टू रिमोट्स, वी हैव द रिमोट रिसीवर, और हमारे पास दो सप्लाईज हैं, एक सप्लाई दूसरी सप्लाई। दोनों हमने 12 वोल्ट 1 एम्पियर का लिया है, आप चाहे तो 12 वोल्ट 2 एम्पियर या 3 एम्पियर भी ले सकते हैं। इसमें मैं आपको वायरिंग, इसकी पहले मैं आपको वर्किंग दिखा देता हूँ। जैसे हमने यहाँ रिमोट लिया, अब हम अगर इसको प्रेस कर रहे हैं, ये देखिए मैं इसको दबा रहा हूँ, और मैं जैसे ही करता हूँ ये लॉक अंदर हो गया। जैसे ही मैं रिमोट को प्रेस करता हूँ ये रिमोट इसको कमांड देता है और वो लॉक अनलॉक हो जाता है। अब इसकी वायरिंग के बारे में मैं बता देता हूँ। यहाँ पर हमने एक एक पावर सप्लाई जो ली है वो सिर्फ रिमोट रिसीवर को पावर देने के लिए है, उसके पॉजिटिव और उसके नेगेटिव में। यहाँ पहला पॉइंट उसके रिमोट का पॉजिटिव है, उसका दूसरा नेगेटिव का है, तीसरा पॉइंट कॉमन का है, और उससे अगला पॉइंट NO का है। तो अब हमने कनेक्शन क्या करना है कि रिमोट रिमोट का जो हमने कॉमन लिया है उसको हमने पावर सप्लाई से कनेक्ट कर दिया, उसका एक पॉइंट पावर सप्लाई से कनेक्ट कर दिया, कोई भी है ले सकते हैं आप, इसमें कुछ नहीं है। और दूसरा हिस्सा हमने पावर सप्लाई का दूसरा हिस्सा हमने लॉक की किसी एक वायर से कनेक्ट किया हुआ है, किसी भी एक वायर से कर सकते हैं। और जो लॉक का जो रिमोट रिसीवर का NO है उसको हमने लॉक के साथ, लॉक की दूसरी वायर के साथ कनेक्ट किया हुआ है। काफ़ी कुछ भी मतलब इसमें लंबा चौड़ा नहीं है, सिर्फ इसकी एक तार पावर सप्लाई से, इसकी एक तार पावर सप्लाई से, और एक तार डायरेक्टली रिमोट की तार जो उसकी कॉमन की तार है वो जा रही है पावर सप्लाई में, और